कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के रायपुर दौरे को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो चुकी है। प्रियंका गांधी के दौरे पर बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी ने बयान दिया है और उनके बयान पर मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का बयान राजनीति से प्रेरित है, यह मानसिक अवसाद का परिचायक है। कांग्रेस की हर सभा में भारी भीड़ जुट रही है। मुख्यमंत्री ने सौगातों का पिटारा खोला है। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से दिन भर में प्रभार लिया, उसी दिन किसानों का कर्ज माफ किया। उस वक्त कौन सा चुनाव था? किसानों के पक्ष में पैसा देने को केंद्र सरकार राजी नहीं थी। धान खरीदी या वारदाने का मामला हो, बीजेपी के नेताओं ने कोई बयान नहीं दिया, न कोई ज्ञापन दिया, केवल घड़ियाले आंसू बहाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो बयान है वो राजनीति से प्रेरित है, केवल उनका मानसिक अवसाद का परिचायक है। दरअसल कांग्रेस की हर सभा में खूब भीड़ आ रहा है, बमफाड़ भीड़ आ रहा है और सौगात का माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिटारा खोल दिया है। और जो बोलते हैं कि आज चुनावी कर रहे हैं, तो हम किसानों का लगभग 10,000 करोड़ का जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी प्रभार लिए उसी दिन कर्ज माफ़ी कर दिए, तो उस समय कौन सा चुनाव था? और हम एक साल केवल अपने वादे के अनुसार, घोषणा के अनुसार 2500 रुपया में धान खरीद पाए 2500 क्विंटल में। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने रोक लगवा दिया, मोदी जी ने आदेश निकाल दिया कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को MSP से एक पैसा भी ज़्यादा दिया, मतलब 1860 रुपया था उस समय, 1860 से एक पैसा भी ज़्यादा दिया, तो हम केंद्रीय पूल में FCI में चावल जमा नहीं लेंगे।